दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्मार्ट प्लग्स का रिव्यू किया है। ये वाला जो स्मार्ट प्लग है ये अलग है, इसलिए क्योंकि ये 16 एम्प का है। ये जो स्मार्ट प्लग है इसे आप खास करके हैवी अप्लायंसेस जैसे कि एसी या फिर जो गीज़र है उसके साथ में यूज़ कर पाएंगे। तो बेसिकली आपका जो एसी है उसे आप और भी स्मार्ट बना सकते हैं इस डिवाइस का उपयोग करके। शेड्यूलिंग कर सकते हैं कब आपको ऑन करना है एसी को या फिर ऑफ़ करना है। वैसे ये जो डिवाइस है इसे मैं मेरा जो गीज़र है उसके साथ में टेस्ट करने वाला हूँ, देखते रहिए। तो ये है स्मार्ट प्लग विप्रो ब्रांड की तरफ से। ये 16 एम्पियर्स का है, 2.4 GHz वाईफाई सपोर्ट करता है, मतलब कि आप इसे वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन और वॉइस कमांड के ज़रिए जो अप्लायंसेज है उन्हें आप इस डिवाइस का उपयोग करके कंट्रोल कर पाएंगे। आप ऑन ऑफ भी शेड्यूल कर सकते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है उसे मॉनिटर कर सकता है। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ में ये कंपैटिबल है। चलिए मैं आपको फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। तो बॉक्स के अंदर आपको एक तो ये क्विक स्टार्ट गाइड मिलने वाला है जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और ये है वो प्लग, ये स्मार्ट प्लग है। इस प्रकार का जो स्मार्ट प्लग है इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा अलग है इसलिए क्योंकि ये 16 एम्पियर्स का है, मतलब कि इसका उपयोग करके आप हैवी एप्लीकेशन जैसे कि एसी हो, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव या फिर गीज़र हो उन्हें आप स्मार्ट बना सकते हैं। देख सकते हैं कि जो प्लग का साइज़ है ये भी काफ़ी अलग है। अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट ऐप को डाउनलोड करना है आपके स्मार्टफोन पर। iOS और एंड्रॉयड कंपैटिबल है, और ये जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे आपको प्रेस करके होल्ड करना है ताकि यहाँ पर जो लाइट है ये ब्लिंक हो, और उसके बाद में आप इस प्रोडक्ट को एक तरह से जो एप्लीकेशन है उसके साथ में ऐड कर पाएंगे। तो एक बार आपने ये ऐड कर दिया उसके बाद में आप अपना जो स्मार्टफोन है उसका उपयोग करके इस स्मार्ट प्लग को कंट्रोल कर पाएंगे, और ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको जो कंजम्पशन है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं, कभी आपको ऑन करना है कभी ऑफ़ करना है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। आप एनर्जी मॉनिटरिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। अब ये जो डिवाइस है इसे मैं मेरा जो गीज़र है उसके साथ में टेस्ट करने वाला हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरा जो एसी है वो डायरेक्टली जो पॉइंट है बटन उसके साथ में कनेक्टेड है, ऐसा ऑप्शन मैंने नहीं दिया हुआ है, लेकिन गीज़र के साथ में ये ऑप्शन अवेलेबल है और इसे मैं मेरा जो गीज़र है उसके साथ में यूज़ करने वाला हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए जो गीज़र है अगर मैं उसे ऑफ़ करना भूल जाता हूँ, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, तो ये जो सिस्टम है इसका उपयोग करके मैं रिमोटली जो गीज़र है उसे ऑफ़ कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एनर्जी को भी मॉनिटर करता है, तो मुझे पता चलेगा कि जो पावर कंजम्पशन है गीज़र कितना यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे मेरा जो गीज़र का पॉइंट है उसके साथ में कनेक्ट कर लिया है। तो बेसिकली ये जो डिवाइस है इसे आपको जो सॉकेट है उसमें कनेक्ट करना है, उसके बाद में जो अप्लायंस है उसका जो प्लग है उसे आपको यहाँ पर प्लग इन करना है। और क्योंकि ये वाईफाई पर बेस्ड है 2.4 GHz पर, तो आपके घर में ऑफकोर्स वाईफाई होना चाहिए, और उसका उपयोग करके आप इस प्लग को कंट्रोल कर पाएंगे। शेड्यूलिंग एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, खास करके अगर आप इसे एसी के साथ में यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए रात को 10 बजे अगर आप सोते हैं तो ऑन कर दीजिए एसी को इस स्मार्ट प्लग का उपयोग करके, और सुबह 6 या 7 बजे जब आप उठते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो प्लग है उस एसी को ऑफ़ कर लेगा। इसके पहले मैंने जो स्मार्ट प्लग का वीडियो बनाया था वो बेसिक स्मार्ट प्लग था, ये वाला हायर अप्लायंसेस के लिए है, हैवी अप्लायंसेस के लिए। इसका प्राइसिंग है तकरीबन 1000 रुपीज़ के आसपास। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।